आपके लिए आश्वस्त करता हूं कि मोदी की गारंटी ये 100% क्रियान्वित होने वाली गारंटी है। जो कहा सो करके दिखा दिया। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हीं पंच प्रणों की बात की थी। हम भारतीयों का संकल्प होना चाहिए कि मेरा देश दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित हो, क्योंकि हमारा देश जब दुनिया की एक ताकत बनेगा तो सबसे पहले ताकत बनने के लिए हमें क्या करना होगा? आतंकवाद को, नक्सलवाद को, जातिवाद को, भ्रष्टाचार को, इन सबको समाप्त करना होगा। हर नागरिक का दायित्व तो बनना चाहिए, हर चेहरे पर खुशहाली होनी चाहिए, हर गरीब हर वंचित की सुनवाई होनी चाहिए, शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के उन तक पहुंचना चाहिए। और इसलिए हम लोग जाति के नाम पर नहीं, बल्कि सबसे बड़ी जाति कोई है तो गरीब है, उस गरीब को योजना का लाभ मिलना चाहिए, उस वंचित तक योजना का लाभ पहुंचना चाहिए, उस कमजोर की सुनवाई होनी चाहिए, उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। और इसीलिए इतनी योजनाएं, कोई सोचता था कि गांव में जहां पर जिस गरीब का मकान बना हुआ है उसी का पट्टा उसे प्राप्त हो जाए, उसका मालिकाना अधिकार उसे प्राप्त हो जाए। पीएम स्वामित्व योजना में हम लोगों ने अब तक 75 लाख परिवारों को पीएम स्वामित्व योजना में सर्टिफिकेट दे दिया है और 50 लाख लोगों को इसी दिसंबर महीने में और देने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति को जहां पे उसका मकान होगा वहीं पे उसका मालिकाना अधिकार भी प्राप्त होगा। यह गारंटी भी मोदी गारंटी का हिस्सा है। आपका आह्वान करता हूं कि मोदी गारंटी में जहां भी जाए प्रधानमंत्री मोदी जी के संदेश को उस गांव के हर घर घर तक हमें पहुंचाना है और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करना है कि मोदी गारंटी जीवन में खुशहाली की गारंटी है, मोदी गारंटी हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी है, मोदी गारंटी प्रदेश और देश की समृद्धि की गारंटी है, हर व्यक्ति के जीवन में समृद्धि की गारंटी है और मोदी गारंटी 2047 में हमारे भारत को दुनिया की एक विकसित देश के रूप में स्थापित करने की गारंटी है। इस गारंटी के साथ जुड़ना हम सबका दायित्व बनता है।